झूठ बोल बोल के वादे कर करके इन्होंने वोट मांगी है, वादे कर करके इन्होंने सच्चाई की एक भी वोट नहीं ली। नमस्कार दी पब्लिक चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पर जो अभी हम पहुँचे हैं और यहाँ पे किसान जो है मेरे साथ मौजूद है, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और आपके साथ कितने किसान आए हैं? जिला मेरठ से आए हैं, मवाना तहसील है। नीचे निकल लो, कर लो, नीचे कर लो इसको। तो कितने किसान आपके साथ आए यहाँ पे आंदोलन में शामिल हुए हैं? कई गाड़ी आए हैं, कई गाड़ियाँ, मतलब फिर भी काउंटिंग होगी 500 किसान से ज्यादा बिखरे हुए हैं। तो जैसे कि आप 45 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसान 45 दिन यहाँ पे बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार अभी गूंगी बहरी है, बड़ी बैठी है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे जो हमारे किसानों को मांगे हैं वे पूरी हों, और जब तक मांगे पूरी नहीं होने की जब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं, चाहे टाइम कुछ नहीं है हमारा, हमारा निश्चित समय बिल्कुल नहीं है। हम ये अपने उनके कानूनों को वापस लिवा के जाएंगे और अपनी जो भी हमारी मांगे हैं हम अपनी पूरी मांगे मना के जब जाएंगे इस। तो बीजेपी के ही कुछ नेता किसानों पर आरोप लगातार लगाते रहे हैं, और अब भी पिछले दो दिनों से सुनने में आ रहा है कि जो यहाँ पे बॉर्डर पे बैठे लोग हैं ना, ये किसान नहीं है, या तो ये कुछ बड़े जमींदार है या बीच बिचौलिए जो डाती लोग जिन्हें कहते हैं। ये बिल्कुल 100% झूठ बोल रही सरकार। सब बच्चा बच्चा हमारा सब यहाँ किसान है, जितना भी अगर जो कोई किसान उनकी तरफ का भी बोल रहा भाजपा का भी, वो उनका दलाल है, किसानों का वो हितैषी नहीं है। हम इस बात को साफ कहते हैं कि कोई वे लोग इनके दलाल हैं जो भाजपा की वो करते हैं प्रशंसा। हम सत्य कहते हैं, यहाँ जो आए हुए हैं यहाँ बच्चा बच्चा किसान है और गरीब है, अमीर नहीं है यहाँ, यहाँ सब गरीब बच्चा बच्चा किसान आया हुआ है, जो 10 बीघे से लेकर 2 बीघे तक का भी है, 50 बीघे का भी वो भी किसान है। यहाँ कोई गलत आदमी इस तरह का नहीं है, हमारे किसान भाइयों में एक भी आदमी ठीक है, इतना तो जरूर है किसी का बच्चा सर्विस करता हो वो तो एक अलग बात होगी, लेकिन टोटल यहाँ किसान है। जो भी भाजपा हम पे लाल छंड लगाती किसानों पे, वो सीधा सीधा उनके लिए अपने जीवन को गड्ढा खोदना है, बेईमानना नू समझो, वो गड्ढा खोद रही अपने लिए भाजपा आगे तक के लिए। तो जैसे कि तोमर जी ऑलरेडी स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी हाल में कृषि कानून वापस नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ तो इसमें क्या बात होगी, आंदोलन और उग्र होगा, आंदोलन को उग्र करेंगे। फिर और मीटिंग के लिए किसानों को बुला रहे हैं, तो इसके पीछे सरकार क्या राजनीति है? अब वो अगर इसे वापस लेते हैं, कानून को, काले कानून को वापस लेते हैं तो ठीक है, वरना किसान इससे कम में मानेगा नहीं। अब ठीक है, गोली चलाओ जो है, क्या नाम है, किसानों पे कुछ भी करो, किसानों के सिर लाल होंगे, या सरकार जाएगी या काला कानून वापस लेना पड़ेगा। तो काफी आरोप भी लगे हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि ये जो जींस पहन के आ चुके ये किसान नहीं है, तो काफी आरोप भी लगे, वो सब गलत। तो किसान पिज्जा खा रहे हैं, किसान पार्टियां कर रहे हैं, ऐसे भी कुछ आरोप लगाए गए। किसान पिज्जा तो हम किसान पैदा कर रहा है इस बात को, और रहेगी इसकी बात, अगर ये कहते हैं किसान हमारे साथ हैं, उन किसानों हमने सामने बैठा दे, हम उन किसानों से ये पूछे जाएंगे, वो नुकता हमें बता दे भाई, बाकी तुम्हें इस कानून से क्या फायदा हो रहा है, जितने हैं टोटल मिले हुए हैं, पीछे रैली हुई थी, ये किसान के भट्टे वाले मजदूर पकड़ कर लाए थे उनको, फिर उनको जो है 500 रुपए देकर चले गए, नेता तो चले गए, वे ढूंढते फिर रहे, भाई मेरा वो कहाँ गया, मुझे पवोता मिला ही नहीं। यहाँ जो किसान है दिल से बैठा हुआ है, हटेगा नहीं, और यही सरकार जब गुजरात में 2010 में 11 में इन्होंने इस कानून का विरोध किया था, आज इस विरोध को क्यों ला रहे, जब पहले विरोध करे थे लोग। तो जैसे कि किसानों को काफी राजनीतिक पार्टी की मोर भी दी गई है कि ये जो विपक्षी दल है, जैसे कि ये कांग्रेस के पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के किसान हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो तोड़ने की राजनीति, ये किसान को तोड़ने की राजनीति, गुमराह करने की राजनीति, ये सरकार नए नए हथकंडे अपना रही है, ये हथकंडे सरकार के चलने वाले नहीं है, लंबा करके इसे ढीला करना चाहती है, इसे लंबा करना चाहती है सरकार, ताकि किसान परेशान हो, लेकिन किसान परेशान नहीं होगा, अपनी मांगों को मनवा करके उठेगा, यहाँ प्योर किसान बैठा है, ये सब लोग दलाल है, जो ये लोग इस बात की बात करते हैं कि भाई ये लोग जो हैं ये बड़े चौधरी और बड़े ये और वो बैठे हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे गरीब किसान से लेकर के सब किसान मौजूद है, प्योर किसान है यहाँ पर जो, और किसान जब तक जाएगा नहीं, जब तक जो है अपनी मांगों को पूरी नहीं मनवाएगा, और ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा इस सरकार को। तो एक बात और, जैसे कि हरियाणा बॉर्डर से जब किसान दिल्ली में घुस रहे थे, उनको रोका गया, लाठीचार्ज किया गया, तो जब आप किसान कह रहे हैं कि 26 तारीख को हम यहाँ पे ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, ऐसी स्थिति अगर यहाँ पे बनती है तो तब किसान क्या फैसला लेंगे? फैसला ये होगा पूरे देश में ट्रैक्टरों की रैली भी रहेगी,
और चाहे गोलियां भी चलेंगी, उन गोलियों से भी किसान हटने वाले नहीं है। सड़कों पे होगा, सुनो, टोटल किसान सड़कों पर होगा। गोलियों से मरना तो मंजूर कर सकते हैं, लेकिन सरकार से अपने कानून को वापस करवा के ही रहेंगे, भलाए मौत हो जाए। ये भी एक मिसाल बन जाएगी। अब किसानों में वो ताकत थी जो इस हिंदुस्तान का, किसानों का पहली बात तो ये पहला धरना ऐसा है, अब देश आजादी से पहले कभी हुआ हो, ये देश आजादी के बाद का पहला धरना है। और ये इस भाजपा सरकार से जो प्रधानमंत्री है उस पर ये कलंक लग के रहेगा हमारे किसानों का। अब किसने 26 जनवरी को इतनी मौत हुई, इससे हम हटने वाले नहीं है, बिल्कुल इससे हम हटने वाले। और किसी को बोलना है? नहीं, हमें नहीं दिखा जी बोलना। हाँ जी, ये कह रहे हैं जैसे 26 जनवरी उनका आदेश कराया हुआ, हमारे जो मेंबर बने हुए हैं सभी जथेबंदियों के, अगर उनका आदेश आज भी हो जावे तो कल कोई दिल्ली जा बढ़ेगा, हमें कोई खतरा नहीं, ना हमें डर है, ना डरने वाले दिन पैदा हुए हैं। हमारी पहले भी 19 बारी दिल्ली जीती हुई है, 20वीं बारी जीत के जाएंगे। अगर नहीं मंगा, नहीं भी मानते तो जबरदस्ती लेके जाएंगे, वापस उतनी देर नहीं जाएंगे। चलो ठीक है, चुनाव में बता दिया जाएगा, आने वाले चुनाव में जवाब दे दिया जाएगा। हिंदुस्तान का किसान जो जवाब देगा इस बीजेपी सरकार को, ये सांप्रदायिकता की सरकार है, ये लोगों को बांटना, इन्होंने जो है अंग्रेजों आजादी से पहले, ये सब वो लोग हैं बीजेपी के अंदर, वो दलाल हैं जो आजादी में जो है बांटो और राजनीति कर रहे थे, ये वो लोग हैं तोड़ो की राजनीति कर रहे थे। और आज यही जो है कहना पे बीजेपी कहती है कि लोग जो है बड़े बड़े किसान बैठे या वो बैठे, ऐसा नहीं है, ये सब किसान है, यहाँ पर जो है गरीब किसान है, और इस काले कानून को वापिस लेने के लिए बैठा है, जो इन्होंने काला कानून वापस किया पार्लियामेंट के अंदर। ये अहंकारी लोग हैं, ये सरकार में जो है क्या नाम है, इतने उससे जो ये आए हैं, बेईमानी से आए या कैसे आए, लेकिन ये अहंकार है, अहंकार का मौत है। अहंकार हर साल जलता है, जैसे रावण अहंकारी जलता है, ऐसे ही जो है क्या नाम है आपके बीजेपी को ये जला करके हम किसान लोग पीछा छोड़ेंगे, हम इसे छोड़ने वाले नहीं है, और अपना हक लेकर के रहेंगे, और इसका काले कानून से वापिस, जो काला कानून लिया है इसे वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो किसान यहाँ से डटा रहेगा, हटेगा, गोली चलाओ, कुछ भी करो, सिर लाल करो, किसानों के कुछ भी करो, लेकिन किसान यहाँ से नहीं हटेगा, और अपने हक की लड़ाई लड़ता रहेगा, बराबर लड़ता रहेगा, पीछे नहीं हटेगा किसान। यहाँ शरारती तत्व बहुत छोड़े गए, लेकिन यहाँ शरारती तत्वों की भी हिम्मत नहीं यहाँ आने की। अगर शरारती तत्व कोई आ गया वो पिटेगा यहाँ, इसलिए वो डरता आता ही नहीं कोई यहाँ। सरकार का बहुत शरारती तत्व छोड़ने की कोशिश की है, लेकिन डरते हैं यहाँ एक आ गया खुद पिटेगा वो, इसलिए शरारती तत्व की हिम्मत नहीं यहाँ आने की कोई भी। हाँ, दलाल नहीं आएगा, दलाल पहले भाग जाएगा, आता ही नहीं है डर के बाद, देखता है पब्लिक। अपना हक हम लोग लेके रहेंगे, काला कानून वापस करना पड़ेगा तोमर जी को, मोदी जी को। और किसान की कोई बिरादरी नहीं मेरे भाई, किसान की कोई बिरादरी नहीं, किसान तो किसान है, उसके लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ नहीं होता, किसान किसान है, उसकी कोई बिरादरी नहीं। इसलिए जो है कहना पूरा हिंदुस्तान एक मंच पे है, पूरे हिंदुस्तान का किसान एक मंच पे है, और इस सरकार को जो है वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो जो है क्या नाम है बिल्कुल आर पार की लड़ाई होगी। हम पुलिस वाले भी लड़ेंगे और जो है फौज वाले भी लड़ेंगे, हम उनसे कहेंगे कि आप किसान के बेटे हो, सोच लो और समझ लो। देखिए, किसान का वो इतिहास बन जाएगा जैसे जलियांवाले बाग का बना था, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी बोलो, हम अपनी मांगों को पूरी करा के जाएंगे। जलियांवाले बाग में जो भी हुआ था अंग्रेजी राज में, वो इसमें भाजपा में होगा, इस भाजपा सरकार में यही होना है। चाहे कांग्रेस जो झूठ बोल बोल के वादे कर करके, इन्होंने वोट मांगे वादे कर करके, इन्होंने सच्चाई की एक भी वोट नहीं ली, आज किसानों को धोखा दिया इन्होंने, इस धोखे का परिणाम इन्हें भुगतना पड़ेगा। किसानों चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, इन्हें अपना झूठ बोलने का परिणाम भरना पड़ेगा। ये तो खैर आने वाले अभी विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे 22 में, इसी में परिणाम लग जाएगा, इन्हें पता लग जाएगा क्या होना है। पर बता दी, हमारा किसान जो जलियांवाले बाग की तरह से आया है यहाँ, और जलियांवाले बाग की तरह से डटा रहेगा, चाहे कुछ भी हो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 काला कानून वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, बीजेपी सरकार होश में।
जी बस। किसान एकता जिंदाबाद।